वेलकम टू हेल्दी हो मैं डॉक्टर राहुल वर्मा मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ क्या वो सिचुएशंस हैं जिसमें माँ को अपना जो फीडिंग है वो रोक देना चाहिए वाट इज द इंडिकेशन कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है अगर मैं सही मायने में बताऊँ तो हमारी तरफ से एज अ पिडाइट्रिशन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सबसे क्रूशल चीज़ होती है और जितना जल्दी स्टार्ट होता है उतना बेटर रहता है और माँ के दूध से वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बच्चे को हेल्प करती है कीटाणुओं से लड़ने में सो so, हमारी तरफ से कोई क्लियर कट कॉन्टाइंडिकेशन नहीं है बहुत रेयरली कोई रेयर मेडिसिन चल रही हो कैंसर की या कुछ और चीज़ है तो मनाई है या माँ की ऐसी सिचुएशन है कि उनकी हेल्थ इतनी ख़राब है कि वो अपना ही ख्याल नहीं रख पा रही तो फिर बेबी को थोड़े टाइम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर सकते हैं अदरवाइज़ सारी चीज़ों में आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कई पेरेंट्स को लगता है कि जैसे माँ को खांसी जुकाम हो गया और उन्होंने दूध पिलाया और उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कोविड के बाद से सब आप सबको भी मालूम है कि वायरस कैसे वर्क करता है वो हवा से स्प्रेड होता है तो जहाँ भी क्लोज गैदरिंग में जो भी सबसे ज़्यादा क्लोज टाइम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहा है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो वो हवा से स्प्रेड होता है मास्क से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग से तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है सो तो कभी भी ऐसा लगे कि मदर को कुछ हो रहा है तो मदर मैक्सिमम मास्क पहन सकती हैं पर अपना ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं रोकना है वो कंटिन्यू रहेगा खतरे के लक्षण पर ध्यान रखेंगे और कोई भी दिक्कत लगे तो डॉक्टरी सलाह लेंगे पर ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल चीज़ों में हमेशा कंटिन्यू कोई भी नॉर्मल खांसी जुकाम की मेडिसिन या कोई एंटीबायोटिक चल रही है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर बच्चे में कोई क्लियर कट लक्षण आ रहे हैं कि लूज़ मोशन कुछ है या बहुत रेयर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो कई बार हमें डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शन करना होता है पर ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादातर समय हमें कॉन्टिन्यू रखनी होती है